सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ सारा। नोरा फतेही का असली नाम नोरा फतेही है। नोरा फतेही एक 27 वर्षीय अभिनेत्री, मॉडल और डांसर है। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में हुआ था। नोरा फतेही ने अपना बचपन कनाडा में बिताया और टोरंटो के वेस्ट यू सेंट्रियल सेक्रेटरी स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। बाद में नोरा फतेही अपने एजुकेशन स्तर की पढ़ाई के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में चली गई, लेकिन कुछ कारणों से नोरा फतेही ने अपना एजुकेशन पूरा नहीं करा। नोरा फतेही ने अपना स्कूली दिनों में इंटरनेट से बैले डांस सीखना शुरू कर दिया था। बाद में नोरा फतेही ने मॉडलिंग करना भी शुरू किया और एक मॉडल और प्रतिभा एजेंसी ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट में काम भी किया। पूरी नजर पर खबर डालेंगी हिमांशी। नोरा फतेही एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, इसलिए आज की युवा पीढ़ी में उनका नाम हर कोई जानता है। उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस नोरा फतेही, जिन्हें हम सब नोरा फतेही के नाम से भी जानते हैं, जो एक कनाडियन मॉडल अभिनेत्री है। नोरा मॉडल और अभिनेत्री के अलावा एक बेहद अच्छी बैली डांसर भी है। नोरा ने कई आइटम सॉन्ग पर डांस किया है, जैसे साकी साकी, दिलबर, कमरिया आदि शामिल है। हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म रॉर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। उसके बाद नोरा ने कई हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्मों में काम किया। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में हुआ था। वे एक मोरक्को के कन्नडाई परिवार से हैं। नोरा का असली नाम नोरा फतेही है। नोरा के एक भाई हैं जिनका नाम ओमार है। हालांकि अभी तक नोरा के माता पिता के नाम के बारे में किसी को पता नहीं है। नोरा की माता पंजाबी है, जिसके कारण वो भारतीय भाषा भी अच्छे से जानती है। नोरा फतेही ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेस्टर व्यू सेंटिलेरियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से पूर्ण की। उसके बाद उन्होंने यार्क यूनिवर्सिटी टोरंटो में अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के दौरान वो एक पेशेवर बैली डांसर बन गई। उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, उन्होंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर सीखा। नोरा फतेही ने उसके बाद मॉडलिंग शुरू की। उन्हें ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट एजेंसी ने साइन किया और भारत भेज दिया। नोरा की लव लाइफ और अफेयर भी काफी चर्चाओं में है। वो अभिनेता प्रिंस नरूला और अभिनेता अंगद सिंह बेदी के साथ रिश्ते में थी, जो काफी समय तक सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब वो बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन के साथ रिश्ते में है। नोरा फतेही ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म रॉर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से की थी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे क्रेज, कुक्कड़ फैमिली, टेम्पर, मिस्टर एक्स, डबल बैरल, बाहुबली द बिगनिंग, शेर, लोफर, रॉकी हैंडसम, माई बर्थडे सॉन्ग, सत्यमेव जयते, हिस्ट्री। सबसे ज्यादा लोकप्रियता फिल्म सत्यमेव जयते के दिलबर गाने से मिली। 2018 में उन्होंने वेब श्रृंखला लेडीज स्पेशल टाइगर ऑफ सिंगल गर्ल्स में अभिनय किया। फिल्मों के साथ साथ उनके डांस की दुनिया दीवानी है। वो सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहती हैं, जिसके कारण उनकी चर्चाएं हमेशा सोशल मीडिया पर होती है। फिल्मों के अलावा नोरा फतेही कई टीवी सीरियल्स, शो जैसे बिग बॉस 9 में एक कंटेस्टेंट, कॉमेडी नाइट्स बचाओ में गेस्ट के रूप में, झलक दिखलाजा 9 में एक कंटेस्टेंट के रूप में, एंटरटेनमेंट की रात में एक गेस्ट के रूप में, एमटीवी डेटिंग इन द डार्क में होस्ट के रूप में नजर आई हैं। नोरा 3 संगीत वीडियोस बेबी मार्कवा के मानेगी ना और दिलवर के अरबी संस्करण में दिखाई दी। नोरा ने कई हिट फिल्मों में आइटम सॉन्ग किया, जैसे कि बाहुबली और किक 2। नोरा को सबसे बड़ी सफलता फिल्म सत्यमेव जयते के गाने दिलबर से मिली, जो 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुआ।
जिसमें केवल एक ही दिन में 20 मिलियन से ऊपर व्यूज कमा लिए। नोरा फिल्म मिस्टर एक्स में अभिनेता गुरमीत चौधरी और इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिका में देखी गई। नोरा फतेही फिल्म बाहुबली और किक 2 जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उसके बाद 2015 में इन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया, जैसे कि शेर लोफर। नोरा बिग बॉस 9 की कंटेस्टेंट बनी, यहाँ इन्होंने 84 दिनों का सफर पूरा कर लिया था, उसके बाद ये निकल गई। 2016 में नोरा भारतीय टीवी रियलिटी शो झलक दिखला जा में भाग लिया। नोरा हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अरेबिक और फ्रेंच भाषा भी अच्छी तरह जानती हैं। तो काफी कुछ जान गए होंगे आप नोरा फतेही के बारे में। अगर ऐसी ही एक्टर के बारे में आपको जानना है, उनकी जर्नी को आपको समझना है, तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करें और हमें फॉलो करिए ट्विटर पर, फेसबुक और इंस्टा पर, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।